Hey all you awesomely blossomy people out there, welcome back to my channel. My name is Narupama and I hope you all are doing great. Well, this video is going to be another story time video, and in this video I'm not going to talk about my aviation days, but I'm going to share a story from my school days. So if you're excited and if you want to know, keep on watching. So this is about me when I was in school. I was in 8th standard. In the school, if you remember, houses hote hain, red house, green house, blue house, yellow house. So aise mere school bhi the. Main red house mein thi aur uska naam rainbow tha. So mujhe yaad hai ki hamare हर एक हाउस का टर्न आता था मंथ में, कि एक वीक के लिए आपको ही मॉर्निंग प्रेयर के टाइम पे थॉट ऑफ द डे, न्यूज़, करंट जो उस दिन की ताज़ा खबर है वो, एंड आर्टिकल, समथिंग लाइक दैट यू हैव टू से इन फ्रंट ऑफ द इंटायर स्कूल. सो ऐसा करके होता था, हर एक बच्चे की टर्न आती थी. सो वन फाइन डे इट वॉज माई टर्न. लाइक माई क्लास टीचर, शी टोल्ड मी दैट अब तुमको बोलना है स्टेज पर जाके थॉट ऑफ द डे. एंड जितना मुझे याद है, आई थिंक 4 या 5 वर्ड्स थे उस पूरे सेंटेंस में. मुझे सिर्फ वही बोलना था कि यू नो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थॉट ऑफ द डे इज ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी था वो, आई डोंट रिमेंबर इट, बट जिस मुझे वही चीज़ बोलनी थी. बट आई गॉट सो पेट्रीफाइड एंड आई वॉज सो हॉरीफाइड दैट ओ माई गॉड, आई हैव टू गो एंड हैव टू स्पीक ऑन द स्टेज. सो लाइक आई वॉज अ कॉन्फिडेंट किड when it's about dancing, singing. So I तब मुझे stage fear नहीं था, but when it's about public address, so I was really scared and मैंने कभी नहीं किया था. और मैं इसी चीज़ से भागती थी कि नहीं, मुझे नहीं करना, मैं नहीं, मतलब मैं, मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाती थी कि ओ माई गॉड, मैं कैसे बोलूँगी, मैंने फम्बल कर दिया तो, एंड यू नो, zillion thoughts. So अब क्या करें, मैम ने बोला है, अब करना तो पड़ेगा ही. आई रिमेम्बर the previous night I was so scared that I was memorizing those 4 or 5 words. Like उसको मैं याद रटे जा रही थी कि मैं स्टेज में जाके मैं फंबल ना करूँ, या मैं भूलूँ ना, या कुछ ब्लंडर ना कर दूँ. सो दैट वॉज माई ओनली फियर. सो मैं उससे पढ़ जा रही थी, रटे जा रही थी. आई रिमेंबर वैन मैं बस में बैठी तब भी मैं यही करे जा रही थी. फिर देन फाइनली आई रीच स्कूल एंड देन मॉर्निंग प्रेयर का टाइम हुआ. एंड सबसे पहली चीज़ जो होती है, आई थिंक, जो मुझे याद है, आई थिंक आफ्टर द प्रेयर इज योर thought of the day and then followed by news and everything. अब मेरी टर्न आई, मैं गई और मैं सेंटर में जाके स्टेज के खड़े हो गई. There were students from class nursery to 10th, I think तभी तक उतने ही क्लासेस थी वहाँ पे. सो सारे बच्चे थे बेसिकली, स्कूल के सारे टीचर्स थे, सब थे. एंड मैं ऐसे खड़ी हूँ स्टेज के सामने एंड आई वॉज ब्लैंक. आई कुडंट अटर अ सिंगल वर्ड. मैं बस ऐसे भूत की तरह खड़ी हुई थी. एंड मतलब मैंने ये भी नहीं, गुड मॉर्निंग भी नहीं निकला. एंड आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस. आई रिमेंबर माई हैंड्स वर स्वेटी एंड मैं बार बार इस तरीके से ना, बिकॉज आई वॉज इट्स अ साइन ऑफ नर्वसनेस. एंड यू नो, आई जस्ट कांट टेल यू हाउ एम्बेरसिंग इट वॉज. देन फाइनली माई टीचर, द सेम क्लास टीचर, शी केम एंड उन्होंने मुझे लेके गई वहाँ से. एंड उसके बाद जो मैं रोई भैं भैं करके, ऑफकोर्स इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग. एंड मतलब ऑफकोर्स पीपल विल, यू नो दैट पीपल विल मेक फन ऑफ यू, पीपल विल से समथिंग, और इवन पीपल डोंट से एनीथिंग, यू फील बैड फॉर योर सेल्फ कि यार आई मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ. मैंने वहाँ जाकर क्या किया, एक 4 लाइनें वर्ड्स ही तो बोलने थे, वो भी मैं बोल नहीं पाई. एंड यू नो, आई वॉज फीलिंग रियली बैड एंड ऑल ऑफ दैट. ऑफकोर्स आफ्टर दैट मुझे मौका नहीं दिया कि तुम जाके बोलो, बट या सो वो एक हुआ. कट टू आफ्टर 1 ईयर, डिफरेंट स्कूल एंड डिफरेंट सिटी. सो मैं नए स्कूल चली गई, वहाँ पे नए लोग थे, नए फैकल्टी मेंबर्स थे, नए बच्चे थे, स्टूडेंट्स जो मेरे क्लासमेट थे. सो अब क्या हुआ, 9th में हमारा CBSE में एक रेडियो शो करके था, इंग्लिश में चैप्टर था. तो उसमें हमारे इंग्लिश टीचर ने कहा दैट यू हैव टू इनैक्ट, लाइक यू हैव टू एक्चुअली प्रेजेंट अ प्रॉपर रेडियो शो इन फ्रंट ऑफ द एंटायर स्कूल. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी एंड माय टीचर, द इंग्लिश टीचर, वो वेरी, शी वॉज वेरी नाइस टू मी, शी वॉज वेरी एंकरेजिंग. सो जब उन्होंने कहा तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, आई लाइक आई टेक द चार्ज एंड आई डू द एंकरिंग पार्ट, जो इंट्रोडक्शन वगैरह जो होता है ना, डिफरेंट शोज हमने कर दिए. एंड मैंने कहा आई डू द एंकरिंग पार्ट एंड मी एंड माई वन ऑफ माई फ्रेंड, सो लाइक वी विल बोथ विल डू. एंड आई डोंट नो वाई, मतलब अभी हुई कुछ चीज़,
एंड मैंने एक साल बाद मैंने मैंने फिर खुद ने बोला कि नहीं मैं करूंगी. आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन एंड ऑल फाइनल द डे केम अगेन. मैं गई स्टेज पे, आई वॉज शिट स्केर्ड, स्वेटी पाम्स, ऑल ऑफ दैट ऑल ओवर अगेन. बट आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड आई लाइक यू नो आई कैन डू दिस, ऐसे कुछ बोला होगा एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट आई सेड समथिंग टू माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड ऑफ एंड आई कांट टेल यू इट वेंट सो वेल. Everybody in the school, almost everybody in the school, they came up to me, they congratulated me, they appreciated me for my performance on stage, the way I, they, it was perfect, it was perfect. And like, you know, कहते हैं ना एक वो best memory जो होती है आपकी life की, बहुत सारी memories होती हैं, एक नहीं होती, बहुत होती हैं, but I count this one of the best, you know, मतलब इतना मुझे confident feel हुआ, उसके बाद से मैंने, you know, मतलब हमेशा ऐसा होता था कि जब भी मैं स्टेज पे कुछ बोलने के लिए जाती थी मैं नर्वस फील करती थी, वो सब होता था मेरे साथ, बट स्टिल आई यूज टू गिव इट अ शॉट. आई यूज टू आई नाउ आई वॉज नो मोर आई वॉज नर्वस अबाउट इट और इवन इफ नो मोर आई वॉज लाइक रनिंग अवे फ्रॉम दिस यू नो कि नहीं मुझे नहीं बोलना स्टेज पे, मैं नहीं कर पाऊंगी. येस आई एम नर्वस, येस आई एम स्केर्ड, बट दैट्स ओके, दैट इज दैट्स इट्स ऑल दैट कीप्स यू ग्राउंडेड एंड यू विल नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड दैट हेल्प्स यू टू परफॉर्म वेल. आई स्ट्रांगली फील दैट बिकॉज जब भी मैं डांस करने भी जाती थी तब भी मुझे नर्वसनेस होती थी, और अगर गाना गाने जा रहे हैं कुछ भी अगर परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टेज पर तभी भी नर्वसनेस होती थी. बट I tell this story to so many people. I told this story to my students when I was teaching in the university. I told the students also, because when they used to come up to me and they used to tell me, ma'am, I'm not confident about this, ya aisa, ya mujhe dar lagta hai ki maine agar kuch galti kar di to what people will think, people will make fun of me. And then I tell them about this story. You know, it had happened to me. What do you think? Like, ma'am, you are very confident, this and that. So I'll tell you that this happened to me. And when I was in school, when I was a teenager, when it was a really big deal for me. Now, if I think about it, it really doesn't matter. But that time, it was a big deal. So I imagine that time. But then, you know, life is, there will be experiences, incidents, which will happen, which will teach you a lot. Pleasant, unpleasant, really does not matter. But all of that is important for you, you know. So, why I'm telling you about this story, because I just want to tell you that if you want something in life and if you face failure or any unpleasant experience, that should not stop you from trying, you know. Whatever you want to do in your life, you know, it's not that every time in one go you will achieve what you want. You know, there will be times that you have to try over and over and over and over again. And that's completely okay. That's completely fine. Like, I know a person when I was flying. So I came across this person. She told me that I tried for the airline 6 times. And, you know, after that, I got through. So, अगर पहली बार अगर नहीं क्लियर कर पाते इंटरव्यू और तब वो बोलते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगी, एंड यू नो ये सब नेगेटिव थाट्स आते हैं. सो क्या होता कि शायद वो कभी कैबिन क्रू नहीं बन पाती, क्योंकि एक फेलियर की वजह से आपने अपने आप को दूसरा मौका नहीं दिया है. यू नो, हम सब ने वो एम्बैरेसिंग मोमेंट जिए हैं अपने ज़िंदगी में, एंड यू शुड ओन इट. लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट, सो इट मीन्स दैट इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी एनी मोर. बट व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू ऑल, जस्ट टू लेट यू नो दैट वी आर नो डिफरेंट. थिंग्स हैपन टू यू, थिंग हैपन्स टू मी, एंड या That's all what I want to share with you all, and I hope you learn something out of it. And if you like this video, make sure you like, share and subscribe, and let me know what you want to, if you want to see more of such videos. I would love to make it for you all, and thank you for watching the video. I shall see you in my next one. Take care.